हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एग्जाम द्वार में। आज मैं फिर से आपको आरआरबी एसएससी से रिलेटेड मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। जो क्वेश्चन का चैप्टर होगा साझेदारी पार्टनरशिप। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैथ का ये चैप्टर पार्टनरशिप। साझेदारी पार्टनरशिप, इस क्वेश्चन में जनरली एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन ये होता है जनरली कि एक पर्सन एग्जाम, किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एग्जाम का जो लेवल होता है आपका इजी लेवल होता है, वो ज़्यादा टफ नहीं होता। उसमें क्वेश्चन ये होता है कि एक पर्सन बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई दूसरा पर्सन बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके साथ ज्वाइंट या तो ज्वाइंट वेंचर करता है या अलग करता है। लेकिन इसमें देखा जाता है कि जनरली वो जब बिजनेस शुरू कर रहा है तो दूसरा क्या उसके साथ शुरू कर रहा है या अलग शुरू कर रहा है। अगर साथ ही शुरू कर रहा है बिजनेस तो जो उसका फायदा होगा वो उसी टाइम ड्यूरेशन का होगा। लेकिन पूंजी भी देखी जाती है, तो दो चीज ध्यान रखनी है कि उसने पूंजी कितना लगाया पहले बंदे ने, दूसरे बंदे ने कितनी पूंजी लगाई, और पहले बंदे का टाइम ड्यूरेशन क्या था उस बिजनेस में, दूसरे बंदे का टाइम ड्यूरेशन क्या था, या तीसरा बंदा भी अगर टाइम ड्यूरेशन क्या था। इसके हिसाब से ही जो लाभ होगा वो वितरित होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लाभ उसी रेशियो में। तो हम सबसे पहले रेशियो निकालते हैं इस क्वेश्चन में। रेशियो अगर निकल गया तो हम उससे लाभ बांट देंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इसमें। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें तीन चीज का ध्यान रखना है, ड्यूरेशन क्या है, लाभ कितना है, और पूंजी जो है कितना लगाएगा। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। टफ नहीं है, आसान है, आप फटाफट बनाना सीख जाएंगे। क्वेश्चन लेते हैं पहला। एक जयंत जो है, एक लड़का जयंत है, वो 30,000 रुपया लगाता है और स्टार्ट करता है एक बिजनेस 30,000 रुपये में। वो ये स्टार्टअप शुरू करता है, ठीक 2 महीने बाद 45,000 के साथ मधु भी उस व्यवहार में शामिल हो जाती है। मधु शामिल हो जाती है 45,000 रुपये के साथ, लेकिन कितने, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद मधु उसमें शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 54,000 रुपया का फायदा हुआ है, 54,000, उनका फायदा कितना है, लाभ। तो इनको उन दोनों में बांटना है कि सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जो पूंजी लगाया उनने उसी रेशियो में बढ़ जाए। तो आपको देखना, आपको रेशियो निकालना पड़ेगा पूंजी उनने कितने दिन के लगाया। तो ये मामला है वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल के लिए बिजनेस चला। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पहले में मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको वैल्यू मैं अभी लिख देता हूं। देखिए जनरली शुरू कैसे करना है, पहले ने पूंजी कितना लगाया 30,000 रुपया लिख दीजिए, पहले का पूंजी 30,000 है। और कितने कितने के लिए, चूंकि 1 साल का मामला है तो हम 12 मंथ लिखेंगे, क्योंकि दूसरा 2 महीने बाद शुरू किया। तो इसका पूंजी कितने दिन के लिए रहा, 12 मंथ। रेशियो दूसरा जो मधु है उसकी पूंजी थी 45,000 रुपये और उसकी उसका टाइम ड्यूरेशन था, मधु ने कितने समय के लिए बिजनेस किया, 10 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद बिजनेस में आई हो, ठीक है। तो पहले तो हम रेशियो निकालेंगे, यही रेशियो बांटेगा उनके इनकम को, उनके मुनाफे को। चलिए तो अब यहां से हम करते हैं इसको क्रॉस, इसको क्रॉस कर लिए, ठीक है, यहां से इसको काट लिए, ठीक है, 3 से 15 कट गया, 15 से 45 और 3 5 15 और 3 2 12, मतलब रेशियो क्या आ गया, 4:5, ठीक है, समझ में आ रहा है, 4:5 रेशियो हो गया। देखिए सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, आप जितना ज्यादा सिंपल टॉपिक्स कर लेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपके पास काफी विकल्प हो जाएंगे, आप एग्जाम में ये सब क्वेश्चन टेकअप कर सकते हैं। फिर आगे जैसे एडवांस मैथमेटिक्स है, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, तो ये सब मैं अभी करवाऊंगा, तो आप ये सब पहले अभी कंप्लीट करें। तो इसका टोटल जो है इस रेशियो पैसा बटेगा, पैसा है कितना टोटल, तो पैसा जो है, पैसा का मतलब इनकम, ये इनकम है 54,000 रुपया जो क्वेश्चन मैंने बताया था, तो इसको बांटना है। तो इस रेशियो में कैसे बांटेंगे, ऐसे बांटने का तरीका है कि अगर टोटल पैसा ये है इनकम, इसको बांटना है तो इसका टोटल कर दिया 549, रेशियो नाइन इक्वल टू 54,000, मतलब रेशियो में 9 है तो 54,000 रुपया टोटल है, तो रेशियो 1 का वैल्यू निकालिए, ठीक है, 9 6 54 6,000 रुपया आ गया, कितना आ गया 6,000, रेशियो 1 का वैल्यू हो गया 6,000, 6,000 रुपया। तो अब आपसे क्या पूछा है, तो इसमें
मधु का हिस्सा बताइए, आप दोनों का हिस्सा बता सकते हैं। अब देखिए तो इसको दोनों से क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, एक इधर और एक इधर, वही आंसर हो जाएगा। देखिए 6×24,000 ये इसका हिस्सा हो गया, किसका, तो पहले लड़का है जयंत का, और मधु का कितना हो जाएगा 6×30, क्या करते हैं इधर इनटू, ये आंसर हो गया। तो पूछा है ये कि मधु का केवल बताइए थे ये आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन को एक बार फटाफट समझा रहा हूं कि जयंत एक लड़का है, उसने पूंजी लगाया 30,000 रुपये, और एक लड़की है मधु, उसने 45,000, लेकिन जयंत पूरा साल भर पूंजी लगा के रखा, जबकि मधु 2 महीने बाद बिजनेस में आई, ठीक है। इसका मतलब जयंत ने 12 महीने के लिए पैसा लगाया और मधु ने लगाया मात्र 10 महीने के लिए, 54,000 रुपये का फायदा हुआ, उसको बंटवारा करना है, तो हमने रेशियो निकाला 4:5 और बंटवारा कर दिया, और इस तरह जयंत का पैसा आया 24,000 और मधु का आया 30,000, ठीक है। तो इस तरह हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जितना बनाइएगा उतना बेटर है, वीडियोस धीरे धीरे आ रही है, सारी मैथ्स की सारी वीडियो आ रही है, करंट अफेयर्स डेली आ रही है, आप डेली देखिए, करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछेंगे, तो करंट अफेयर्स तो आप डेली नजर रखिए, जो आपको लगता है कि वो नोट करने लायक है तो आप उसको नोट भी डाउन भी कर लीजिए, या उसको डाउनलोड करके रख लीजिए वीडियो को। उसके अलावा जीके की वीडियो जो मैं ला रहा हूँ, वो आपको एसएससी हो या फिर रेलवे हो, जो ट्रेडिशनल जीके होता है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, नदिया बुक्स, ये सारी चीज़, तो वो ट्रेडिशनल जीके ही 50-50 सीरीज नाम से मैं ला रहा हूँ, जिसमें आप उसको भी अगर पढ़ेंगे तो जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिल ने 75,000 रुपया लेकर एक व्यापार शुरू किया, तो अनिल ने 75,000 रुपया लेकर शुरू किया, 75,000 लिख दिया हमने, ये अनिल ने शुरू किया 75,000 रुपया लेकर एक व्यापार, और दूसरा है कि उसका फ्रेंड है अमित ने 1,12,500 रुपया लेकर व्यापार शुरू किया, ठीक है, दोनों ने व्यापार शुरू किया, साल के अंत में उनका मुनाफा जो है 22,500 है, ठीक है, ये मुनाफा ये बांटना है, लेकिन अनिल ने व्यापार शुरू किया और 4 महीना के बाद उसका मित्र जो है अमित, वो 4 महीना बाद बिजनेस में आया, इसका मतलब अनिल ने 12 महीने व्यापार किया और दूसरे ने 8 महीने किया, ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही उनका लाभ जो है बटेगा रेशियो में, तो आप इनको रेशियो निकालिए, ठीक है, काटिए 9,000 हो जाएगा ये, और ये भी 9,000 हो जाएगा, काट दीजिए इसको, ये भी कट जाएगा 9,000 से 9,000, मतलब 1:1 आ जाएगा, ठीक है, ये काटिएगा तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 बराबर हिस्से में बटेगा, कारण ये है बराबर में, आपसे बराबर क्यों बट रहा है, 1:1 तो बराबर और बट जाएगा, जो भी इनकम होगा बराबर इसलिए हो रहा है कि इसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, पैसा कम है, इसका टाइम ड्यूरेशन कम है, पैसा ज्यादा है, तो यहाँ काटने पर अगर रेशियो 1:1 है, मतलब जितना ही पैसा है पूंजी वो आधा आधा बट जाएगा, तो पूंजी फायदा कितना हुआ है 22,500 रुपया को बांटना है दोनों में, मैं कह रहा हूँ बराबर और बटेगा, तो आधा आधा बांट दीजिए, तो बांटने के लिए सीधा इसका आधा कर दीजिए, 22,000 का आधा क्या होगा 11,000, 500 का आधा क्या होगा 250, तो हर किसी को इतना मिलेगा, इसको भी इतना मिलेगा आंसर, इसका भी पूछा है, ठीक है, तो ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देवीलाल 18,000 रुपया लगाकर एक बिजली का सामान का दुकान खोला, ठीक है, देखिए पार्टनरशिप के क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, कुछ अलग नहीं आते, आप कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लें या प्रैक्टिस सेट उठा के देखें तो आपको मिलेगा, या तो रेलवे का उठाकर देखिए, एएलपी का, ग्रुप बी का, एसएससी का, या फिर अदर ग्रेड के एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, ट्रिकी होते हैं, इजी होते हैं, बस आपको टाइम देकर फटाफट सॉल्व करना होता है जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देवीलाल ने 18,000 रुपया लेकर उसने लेकर के एक बिजनेस शुरू किया, बिजली का दुकान शुरू किया, 3 महीने बाद भजनलाल आ गया उसका दोस्त, और उसने भी 12,600 रुपये के साथ दुकान शुरू कर दिया, दुकान में उसमें शामिल हो गया, 1 साल बाद उन्हें 4,941 रुपये का मुनाफा हो गया, ये 1 साल बाद, तो बताना है कि मुनाफा दोनों का हिस्सा बताना है, देखिए चीज वही है, बस काटने के बाद इसने जब व्यापार शुरू किया तो 12 महीने के लिए किया, क्योंकि पूरे साल किया इसने, और 3 महीने बाद आया, तो इसका मतलब ये 9 आया, 9 मंथ्स के लिए व्यापार किया, 3 महीने बाद मतलब 12 महीने में 3 महीना घटा दूंगा 9 महीने के लिए, और मुनाफा ये है, तो इसका रेशियो निकालिए, तो रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे पहले ये काट दीजिए, आसान हो जाएगा, और
9 का 9 और 9 दूनी 18 20 ठीक है, और 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 6 इकाई 21 है ना। अब तो कटेगा नहीं तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आंसर 40:21। इस रेशियो में पैसा को बांटना है ठीक है। अब जिसका भी हिस्सा पूछा वो निकाल देंगे, दोनों का पूछा दोनों का, तो देवीलाल का हिस्सा इसका पूछा है, देवीलाल का हिस्सा क्या है रेशियो 21, रेशियो 21 है इसी पैसा को बांटना है 4941। अब देखिए इसका मतलब 4941 को बांटना है किसमें, रेशियो 21 निकालना है तो आप देखिए पहले रेशियो 61 है, रेशियो 61 जो है टोटल कितना हुआ, रेशियो 61 अनुपात 61 40 20 60 61 अनुपात 61 है टोटल, तो अनुपात 21 निकालना है क्या आ जाएगा 4941 बाई 61 गुने 21 मतलब 61 से भाग देना है, तो भाग दे लीजिए, भाग तो देना ही पड़ेगा दूसरा कोई उपाय नहीं है, 4941 उसमें 61 से भाग दे लीजिए है ना, तो 61 642 648 8 का 8 से 48 488 ठीक है। आइडिया आपको लगाना पड़ेगा एक बार, 488 आ गया इसका। अब देखिए तो 14 में से 8 6 14 एक कट गया, एक कट गया, एक 51 तो क्या आ गया 81, तो यहां पे कट गया 81 जा मतलब 81 बार में करती है कट गया ठीक है। चलिए इतना तो करना पड़ता है, हर किसी को तो याद नहीं आता। अब 81 को 21 से इंटू कर दीजिए, वही हिस्सा जो होगा वो किसका होगा, देवीलाल का होगा ठीक है, बस कितना जाएगा 1701 रुपया मिलेगा देवीलाल को ठीक है, 1701 रुपया देवीलाल का हिस्सा हो जाएगा, ये रहा आंसर ठीक है। मैं इसमें किया क्या, मैंने हमने ये देखा कि जो पूंजी लगाया पहले लड़के ने क्या उसने पूरे महीने के लिए काम किया, या ऐसा तो नहीं लास्ट में छोड़ के चला गया, ये भी ध्यान देना है, कोई पूंजी लगाया और 8 महीने बाद व्यापार छोड़ दिया और दूसरा 3 बाद लगाया था और करता था, तो वो भी देखना आपको टाइम ड्यूरेशन, तो इसका 12 महीने और इसका 9 महीने क्योंकि 3 बाद आया था, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह की चीजों में कि जब भी कोई पूंजी लगा रहा है तो कितने समय के लिए लगा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और कितने समय के बाद या तो शुरू किया या तो कितने समय के लिए लगा रहा है, दो चीज देखिए, या तो कितने महीने बाद शुरू किया तो बिजनेस कितने दिन चला वो देख लीजिए, कितने महीने चला कितने साल चला, और नहीं तो कितना समय के लिए, वो महीना हो सकता है दिन हो सकता है ठीक है, तो इस तरह आपको बनाना पड़ेगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही है, जो मैं वीडियो डाल रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है, तो अगर अच्छा लग रहा है या कोई कंफ्यूजन होता है कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, गुड है नाइस है या कंफ्यूजन है ये चीज समझ में नहीं आया ये चीज क्लियर नहीं था तो कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही अदर वीडियो जो काफी ट्रिकी क्वेश्चन वाले सॉल्यूशंस है आपको इस डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए उनको देखिए, साथ में वीडियो के अंत में भी इस वीडियो में जब खत्म होगा तो भी आपको अदर वीडियो के लिंक स्क्रीन पे ही नजर आएंगे, आप उन्हें क्लिक करके या ऑटो रोटेट में वो आ जाएगा तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सुनेत्रा ने 50,000 रुपया लगाकर एक पूंजी शुरू किया, इसने कितना लगाया 50,000 रुपया, और दूसरा एक बंदा है निखिल वो 80,000 रुपया लेके एक पूंजी व्यापार शुरू किया ठीक है, 3 साल के लिए व्यापार शुरू किया गया लेकिन ये 6 महीने बाद व्यापार शुरू किया, मतलब सुनीता ने पहले व्यापार शुरू किया 6 महीने बाद निखिल ने व्यापार में हिस्सा लिया 80,000 लेके, और साल के अंत में उनका फायदा जो हो रहा है वो हो रहा है 24,500 रुपया उनका फायदा हो रहा है, 24,500 को बांटना है उन दोनों के बीच में तो कितना पैसा मिलेगा दोनों का, या सुनेत्रा का पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सुनेत्रा जो है 50,000 पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करती है, साथ उसका दोस्त निखिल 6 महीने बाद 80,000 रुपया लेकर आ जाता है, 3 साल के बाद ये मुनाफा है, तो सुनेत्रा का पूंजी इसमें मुनाफे में कितना उसका हिस्सा है ये पूछा है, तो इसका मतलब 3 साल तक पूंजी ये बिजनेस लगाई है तो 36 महीने की लगाई है, दूसरे ने कितने दिन की लगाया है, चूंकि 6 महीने बाद आया था 30 महीने की लगाया है ठीक है। अब इसको काट के जो रेशियो है, अगर रेशियो निकाल दीजिए ये रेशियो इससे ये कट जाएगा ठीक है, और 5 36 और 6 से 6 जाके 36 ठीक है, और यहां भी कट जाएगा 2 3 6 और 2 4 8 क्या जाएगा, तो आ जाएगा 3:4 क्या आ गया 3:4 3:4 3:4 जब आ गया तो टोटल कितना हो गया अनुपात 7
पैसा पूंजी टोटल इतना है, अनुपात में टोटल कितना है, 7 है। कैसे? हमने काट करके जो रेशियो निकाला, टोटल रेशियो देख रहा हूं, यही रेशियो जो है टोटल यहाँ 7 है, 4 और 3 7, पैसा 24,500। तो रेशियो 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 24,500 में 7 से आपको भाग देने पर कितना आ जाएगा, 3,500 रुपये आ जाएगा। तो रेशियो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3,500। अब जो निकालना है वो निकाल दीजिए, इसको इससे इंटू कर दीजिए, उसको इससे इंटू कर दीजिए, दोनों का आंसर। तो सुनेत्रा का पूछा था 3 से करेंगे, है ना, 3 से इंटू कर दीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0 0 5 3 5 15 5, हाथ में 1 3 9 1 10, क्या आ जाएगा, 10,500 रुपया आंसर, 10,500 रुपया है सुनेत्रा का हिस्सा। ये है इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सोल्व करने, और एग्जाम में ध्यान रखने की जब भी ये आएंगे तो आपको ये 0 0 नहीं लिखना है, क्योंकि उससे क्या आपका टाइम लैप्स होगा। अगर आप समझते हैं कि दोनों में 0 इक्वल है, कट जाने वाले हैं, तब अगर आगे पीछे है 0 तो फिर आप लिख लीजिए, बना लीजिए, तरीका यही पार्टनरशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 40,000 रुपया लगाकर प्रमोद ने एक व्यापार शुरू किया, 40,000 रुपया लगाकर प्रमोद एक लड़का है, उसने कितना पैसा लगाया है, 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीना बाद 60,000 पूंजी के साथ विकास ने व्यापार में शामिल हो गया, 60,000 की पूंजी के साथ कौन शामिल हो गया, उसका दोस्त विकास, ठीक है, 4 महीना बाद, और कुल अर्जित लाभ साल के अंत में 16,000 रुपया है। देखिए, 16,000 का लाभ है, तो यही दोनों बांटेगा, तो ये तो पूरे 12 महीना बिजनेस किया ना, 40,000 लगा के पूरे साल तक बिजनेस किया, और दोस्त कब आया उसका, 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद आया, इसका क्या मतलब, यहाँ क्या लिखेगा, 4 महीना बाद आया तो 8 महीना ही लिखेगा, क्योंकि 8 4 12 हो जाता है, 8 महीना पूंजी उसका यूज हुआ बिजनेस में, साल भर तो पूंजी उसका बिजनेस बंद कर दिया, जो भी फायदा हुआ उसका, वो यहाँ पे 16,000 है। अब बांटने का सोच रहा दोनों, तो आप क्या कैसे बंटवारा करेंगे, रेशियो निकाल देंगे दोनों का, झगड़ा खत्म, तो आप निकाल दीजिए रेशियो। तो पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0 हटा देंगे, काम आसान हो गया। अब देखिए, 4 2 8, ठीक है, और 6 2 12 और 2 से 2 कट गया, तो हमें तो लग रहा है कि रेशियो 1/1 आ गया, रेशियो 1/1 आज जब आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसे पीछे बनाए थे इस तरह का कि जहां पूरा ही कट गया 48,000 4,80,000 था, तो इसे कट गया पूरा, तो जब पूरा कट गया तो रेशियो 1/1, और 1/1 का मतलब बराबर बराबर हिस्सा, तो बराबर बराबर हिस्सा का सीधे इसको आधा कर दीजिए, 8,000 इसको दे दीजिए और 8,000 इसको दे दीजिए, दोनों का हिस्सा हो गया 8,000, बात खत्म, दोनों अपना लेके घर चला गया, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे एग्जाम में, जितना आप जाना बनाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आसान लगेगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो इसी में कंफ्यूज हो जाइएगा, गलती कीजिएगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा, आंसर में टाइम लैप्स हो जाएगा, फिर दूसरे क्वेश्चन भागिएगा, फिर तीसरे क्वेश्चन भागिएगा, इससे बेहतर है प्रैक्टिस कर लीजिए, तो भागना नहीं पड़ेगा, इजी लगेगा ये, इसका मार्क्स आपके फटाफट आ जाएंगे, 10-15 सेकंड में बना लेंगे, फटाफट क्वालिफिकेशन करेंगे, 5 से 10 सेकंड आप सोल्व कर ही लेंगे, 20 सेकंड ले लीजिए, तो टाइम तो बच रहा है और नंबर ही मिल रहा है, तो क्यों छोड़ना, इसलिए सब पढ़ना है, एक एक चैप्टर को पढ़ लेना है, प्लस मैथ का जो मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ तो आप पढ़िए, लेकिन मैं साथ साथ केवल यही नहीं करा रहा हूँ, मैं साथ साथ आपके, मैं जान रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अभी सामने है, उसके अलावा एएलपी का एग्जाम, वैकेंसी आएगी, एग्जाम होगी, उसके अलावा ग्रुप डी का एग्जाम है आरआरसी का, ये सब एग्जाम्स है, तो इसके लिए बेहतर है कि साथ साथ मैं मैथ्स के इन चैप्टर्स के अलावा मैथ के मॉडल सेट से क्वेश्चन पढ़ाना, आपको मिक्स सारे चैप्टर का मिक्स सेट एग्जाम वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के जितने आरआरबी के क्वेश्चन वो करा रहा हूँ, अभी एसएससी प्री से क्वेश्चन लेना शुरू कर दूंगा, उसके अलावा मॉडल प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी पूरी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुरू करते हैं, नीलेश अग्रवाल ने 40,000 रुपया निवेश करके एक वर्कशॉप खोला, 40,000 रुपया निवेश किया, ठीक है, नीलेश ने 40,000 रुपया ये इसने वर्कशॉप खोला है, उसने हर साल 10,000 रुपया अधिक निवेश किया, ठीक है, और ऐसे करके 4 साल तक तो बिजनेस चला है। देखिए, अब यहां पे समझना पड़ेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इधर से लिख रहा हूं मैं, इसने पहले 40,000 रुपया लगाया और हर साल उसने
10,000 ज्यादा ज्यादा लगाता रहा, हर साल उसमें 10,000 ज्यादा जो इनकम हुआ उसमें ऐड करता रहा उसने। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 40,000 रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया और हर साल वो 10,000 रुपया ज्यादा उसमें ऐड करता रहा, अपने पूंजी लगाता रहा, ठीक है। उसके भाई सुरेश ने 2 वर्ष बाद 85,000 रुपया के साथ बिजनेस शुरू किया, चलिए, और भाई जो है कितना पूंजी लगाया, 85,000, ये 40,000, और 2 वर्ष बाद आया और 4 साल के बाद उन दोनों ने मिला करके 1,95,000 रुपया कमाए, इतना इनकम है। तो दोनों भाई को बांटना है, तो देखिए कि रेशियो कैसे निकलेगा। पर जबकि मैं कह चुका हूं कि बिजनेस 4 साल चला, तो ये तो बिजनेस में कितने साल था, 2 साल ही था, चलिए इसका तो काम खत्म। ये कितने साल था, ये लगातार 4 साल, तो पहले साल का पूंजी कितना, 40,000 गुने 1, चलिए प्लस इसी में जोड़ते जाएंगे, है ना, प्लस दूसरे साल का पूंजी कितना, 50,000, तो 1 करने की जरूरत नहीं है, 1 चार साल के दिखा रहा हूं, दूसरे साल से 50,000, तो अलग अलग 4 साल का मैं लिख रहा हूं। इसका मतलब है 40,000 पहले साल, दूसरे साल 50,000, प्लस तीसरे साल कितना हो जाएगा, 60,000 बस, और चौथे साल 70,000। हर साल वो पिछले साल से 10,000 ज्यादा पूंजी लगा रहा है, हर साल उसमें ऐड करता जा रहा है, तो आपको यही तो करना पड़ेगा। आपको पिछले साल उसने लगा दिया, ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब पहले साल जो उसका पूंजी था वो 40,000 रुपया था, अगले साल की जो उसकी पूंजी थी वो उसके लिए कितना हो गई, 40,000 तो पहले से था प्लस 10,000 और ऐड कर दिया, ठीक है, 40,000 तो पहले से था और 20,000 और ऐड कर दिया उसमें, तो वही मैंने 10,000 ऐड कर दिया, क्योंकि 50 प्लस 10 कर दिया या 40 प लस 20 कर दिया। और तीसरे साल क्या हुआ उसके साथ, 40 तो था ही नहीं, प्लस 10 करके 3 साल तो जमा कर दिया, 70,000 रुपया हो गया, ये करके मैं लगातार 3 बार में जमा कर दिया, ठीक है। अभी सबको जोड़ लीजिए, कितना लगाया वो, 0,000, ठीक है, 6, 4, 10, 5, 15, 5, 20, 22, ठीक है, 2,20,000। तो इसका टोटल पूंजी कितना हुआ, 2,20,000 रुपये उसने लगा दिया, ठीक है, 2,20,000, ठीक है, इसने पूंजी लगाया है 2,20,000 रुपया। और इसमें हम साल नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसने नहीं लिखेंगे साल, क्योंकि हमने यहां के रिपेयर ईयर बाई ईयर कर लिया है, इसलिए साल इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसका टोटल पूंजी जो है ईयर के हिसाब से इतना है 2,20,000, क्योंकि कैलकुलेशन से पार्ट में किया गया है, इसमें हम साल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने एक एक साल का हिसाब यहाँ ले लिया है। अब इसको काट लीजिए, ठीक है, अब यहीं से काटिए, 2 से 11, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 17, और 5 से ये कट जाएगा, 20, 25, 22, 0,0, ठीक है, और ये सब काट दीजिए, 0,0 तो ऐसे ही कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 22:17 जो है इसका रेशियो आ गया। अब हमें 1,95,000 रुपया को बांटना है दोनों में, तो देखिए 22 और 17 टोटल रेशियो में है, पैसा में कितना है, 1,95,000 का फायदा है। ये जब जैसे भी आप काट लीजिए आपको रेशियो ये आ जाएगा, 2,20,000 ये हुआ, 85,000 ये हुआ, ठीक है, तो 22 और 17 का जो रेशियो है टोटल पैसा ये है, तो टोटल रेशियो में कितना है देख लीजिए, कितना आ जाएगा, 39:39, ये दोनों जोड़ दिए, 2 1 3 7 2 9, 39 आ गया, 1,95,000 टोटल है, तो रेशियो 1 का वैल्यू निकालिए, 195/3/39, अब इसको कर लीजिए, और इसके बाद जो जिसका निकालना है और आ जाएगा 195, इसको भाग दे लीजिए 39 से, 4 की बार 4 2 4 20, है ना, 4 5 20, तो 5 बर्तमें के आसपास लग जाएगा, 9 44 5 हाथ में, 4 5 3 15 16 17 18 19, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 मर्तवे, तो मतलब 5 से 39 25 कट गया, 1 2 3, तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या आ गया, 5,000 आ गया। जब रेशियो 1 का वैल्यू निकल गया आपको 5,000, तो आपको जिसको निकालना निकाल लीजिए, तो रेशियो इसका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा और इसका हो जाएगा, इससे इंटू कर दीजिए, दोनों का पैसा निकल गया। क्वेश्चन में जो पूछा है वो, एक सेकंड, क्वेश्चन में जो पूछा है मैं बता रहा हूं कि वो पूछा है, तो नीलेश की कुल कमाई, नीलेश क्या है, पहले वाला लड़का, इसकी कुल कमाई क्या, मतलब रेशियो 22, रेशियो 1:5,000, रेशियो 22 क्या हो जाएगा, इसमें 5,000 से गुना कर दीजिए बस, तो 50 में 1,
रुद्रा सिंह का आ एक लाख दस हजार रुपया इसका इनकम हो गया। ये हुआ इसका इनकम 2 लाख, 1,95,000 में 1,10,000 इसका हो गया, जो बच गया उसका हो गया। इस तरह हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह हम सोल्व करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है, आसिफ ने 50,000 रुपया निवेश किया। चलिए ये जो क्वेश्चन था, इस तरह जनरली एग्जाम में कम ही आते हैं इस तरह की पार्ट में, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा रहे तो आपको पार्ट में जैसे बताया कि अगर 400 की निवेश किया और अलग अलग पैसा है तो 400 को अलग अलग साल में लीजिए कितना पैसा लगा, और उतना पैसा को आप जोड़ लीजिए तो आपका हिसाब सही बनेगा। एक बार आप इंडू सोचिए कर दे हम तो नहीं बनेगा, उसको पार्ट में ही लेना पड़ेगा, तो ये ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आसिफ ने 50,000 रुपये का निवेश किया और बिजनेस आरंभ किया। चलिए ठीक है, सारे क्वेश्चन निवेश से ही होते हैं। अफनान 60,000 रुपये के साथ 6 महीना बाद शामिल हो गया। चलिए ये 60,000 रुपया ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है, अगर आप बनाएंगे तो आसान रहेगा। 50,000 से ये 60,000 से ये बिजनेस शुरू किया ठीक है। ये जो है सेकंड वाला 6 महीना बाद शामिल हुआ। उसके 6 महीना बाद एक और लड़का आतिफ, उसने 75,000 के साथ शामिल हो गया। चलिए इधर से लिखता हूँ, इधर से ये 50,000, ये 3 बच्चों का है, ये 60,000 और ये 75,000 के साथ शामिल हो गया। एबीसी ले लीजिए, एबीसी है, एबीसी है ना। आरंभ कारोबार आरंभ करने के 2 साल बाद 53,000 रुपया का लाभ हुआ। 2 साल बाद लाभ हुआ 53,000 रुपए। कितना लाभ हुआ तीनों को, तीनों मिला करके बिजनेस में। तो अब देखना है कि तीनों को जो पैसा है उसमें सी का पैसा पूछा है कितना होगा, सी का, बी का पैसा पूछा है, बी का, अफनान का, ए बी सी मान लीजिए इसको, ए या किसी तीनों का निकाल सकते हैं। तो इसका पूछा है कितना पैसा होगा, कितना पूंजी होगा। देखिए तो पूंजी तो ये तो पहले आप इसको पहले तो आप इसको ईयर लिखिए या महीना लिखिए, चूंकि ये जो है 2 साल तक बिजनेस किया था इसलिए ये 24 महीना हो गया। रेशियो लिख दीजिए यहाँ पे। दूसरे ने कब किया बिजनेस, दूसरे ने 6 महीना बाद शामिल हुआ, 6 महीना बाद, तो 24 में से 6 महीना घटा दीजिए है ना, क्या हो जाएगा 18 महीने किया ये बस। और तीसरे को देखिए, तीसरे ने उसके 6 महीना बाद, उसके 6 महीना बाद ये क्या था, मतलब इस जब ये शुरू किया उसके 6 महीना बाद वो किया, मतलब पूरा पूरी 1,000 किया बिजनेस को, तो 12 महीना हो गया, क्योंकि इसके 6 महीना बाद वो किया, मतलब 1 साल लेट है शुरू से, तो 12 महीना। अब इसको काट लीजिए, तो ये 4 0 4 0 और 4 यहीं पे 3 है, तो 3 ही से कटेंगे। चलिए 3 0 और 3 0 सब तो कट गया, चलिए 3 3 हमने काट दिया ठीक है। और अब काटते हैं एक, देखिए तीनों को कॉमन वैल्यूज काटना होगा, ये नहीं कि एक को दूसरे काट लिया और तीसरे को तीसरे से काट लिया, ऐसा नहीं है। तीनों में ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों को काटे ठीक है। तो 12 से काटते हैं, 12 2 24, 12 5 60 और 12 21 12 ऐसे काटेंगे ठीक है। अब तीनों में 5 हमें दिख रहा है तो 5 से काट लेते हैं, तो 5 21 5, 5 2 50 और 5 से 15। अभी भी 5 हमें दिख रहा है, कैसे देखिए 5 3 15 3 से कटेगा, 3 5 15 लेकिन 3 से इधर नहीं कटेगा, तो अब हमें ये कटेगा नहीं, अब नहीं कट सकता ठीक है। अब ये 10 2 20 है, एक्चुअल में लिख देता हूं मैं यहां पे, इसका 20 आ गया पहले वाला का 10 2 20 और इसका आ गया 18, इधर कुछ बचा नहीं है और इधर आ गया 15, अब नहीं कट सकता। इसे फिर ये नहीं कटेगा और 2 से 2 कटे तो ये नहीं कटेगा, तो यही है रेशियो। अब रेशियो जब यही है तो इसको निकालिए, 53,000 रुपया को काटिए। अब देखिए टोटल कितना है, 53,000 रुपया है, ये तीन लोगों का है तो तीनों जोड़ेंगे हम, 20 10 30 10 40 40 8 48 49 50 51 52 53, ऐसे मैं जोड़ लेता हूँ ठीक है, इक्वल टू ये 53 है। टोटल कितना है, रेशियो 53, तो रेशियो 53 आ गया तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, काट दिए 1,000। अब किसका हिस्सा पूछा, बी का, तो बी से इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा इसको, तो 1,000 × 18 तो क्या हो जाएगा आंसर, 18,000 आंसर ठीक है ना। काटने में देख लीजिए कहीं छूट सकता हो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में करना ऐसे तरीका ये है ठीक है, लेकिन फिर भी इसका 18,000 रुपया आंसर है ठीक है। तो ये हुआ बनाने का तरीका। अगर तीन लोग हैं पार्टनरशिप में तो आपको हमेशा टाइम का ध्यान रखना है, एग्जाम में वही अगर आप गलती करेंगे तो गलती हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि आंसर नहीं मैच कर, फिर शुरू से चेक करना पड़ेगा। तो मेनली यहां टाइम है, टाइम का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3 हिस्सेदार है एबीसी, सेम इसी तरह क्वेश्चन है।
देखिए अभी मैं चूंकि ये चैप्टर ही करा रहा हूँ तो थोड़ा डिटेल समझा रहा हूँ। जब फास्ट ट्रैक मैथ जो मैं कराता हूँ 2020 सीरीज है फास्ट ट्रैक मैथ का, तो उसमें फटाफट बताऊंगा कितना एकदम सेकेंडों में कैसे सोल्व करें वैसे बढ़ना है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपको इसी लिंक में या वीडियो के अंत में आपको लिंक मिलेगा या इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, वो देखिए फास्ट ट्रैक। ये समझ लीजिए, पहले चैप्टर समझिए फिर फास्ट ट्रैक देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तीन हिस्सेदार है और तीनों ने जो पूंजी लगाया वो 34,000, 26,000, 10,000। देखिए 34,000, 26,000 और 10,000। देखिए इसका तीनों का बराबर रहते हैं, तीनों का हम पहले काट सकते हैं या हटा सकते हैं, ताकि तो 26,000 का ये हटा देते हैं, ये तीनों हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, देखिए ठीक है ना। ये जरूरत नहीं क्योंकि तीनों कट गया, मान लीजिए लगाया उतना ही पूंजी है और कुल लाभ साल के अंत में कितना है 17,500। अब देखिए यहां पे साल के अंत में तीनों लगाया पैसा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम साल का इनटू करेंगे ही नहीं क्योंकि एक साल तीनों बराबर है, एक गुने एक गुने, अगर पांच साल के लिए लगाता तीनों लगाता तो 5 × 5 × 5 और तीनों का 5 कट जाता। तो जब भी ध्यान रखना है कि अगर तीनों या दो पार्टनरशिप हो या तीन पार्टनर मेंबर हो, अगर सबका समय सेम हो तो हमें समय से इंटू नहीं करना है, केवल पैसा पूंजी लेना है बस, चाहे पूंजी अलग। अब यहाँ काट सकते तीनों काट दिए, 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 13 और 2 × 17, तो यही रेशियो है। अब इसको पूछा क्या है, किसका हिस्सा पूछा, तो ए का हिस्सा पूछा है इसका, तो 17 निकालना है। तो पहले देखिए टोटल कितना है, ठीक है ना, 10, 10 = 20 और 10 = 30, 5 = 35 है ना, 35, तो रेशियो 35 है टोटल। टोटल में कितना आया, रेशियो 35, तो निकालना है क्या, रेशियो 17, रेशियो 1 पर ही निकालिए, तो भाग दीजिए 35 से, ठीक है 175, 17,500 है, तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या होगा, इसको 35 से हम काटेंगे तो 175 / 17,500 / 35। अब इसको 35 से काट दीजिए, जो यहां हमने काट रखा है क्या जाएगा 500, 500 कट जाएगा 500। अब 500 आ गया तो आपको जो पहले वाला निकालना उसको इंटू कर दीजिए, इसको 17 × 5 = 85 और 8,500 इसका हो गया, 8,500 टोटल इसका इनकम हो गया, इसमें से इसका हिस्सा 8,500, सबका अलग अलग हिस्सा उसी रेशियो में कट जाएगा। तो ये इसका पार्ट वन सीरीज आज मैं यही खत्म कर रहा हूँ, उसका पार्ट टू भी मैं लाऊंगा जो इससे लेवल थोड़ा ऊंचा होगा पार्टनरशिप का। ये बेसिक लेवल वाले सारे क्वेश्चन थे, लेकिन रेलवे में ALB में SSC प्री में या फिर ग्रुप डी में इसका लेवल यही रहता है। हाई लेवल के लिए जैसे RRB मेंस हुआ, RRB का जो मेन पेपर होगा या SSC मेंस, उसके लिए हायर पार्टनरशिप में कुछ और क्वेश्चन आएंगे जो आप देखेंगे, तो उसके लिए पार्ट टू वीडियो लाया जाएगा। तो आप तब तक के लिए मैं यही वीडियो खत्म करता हूँ, और आप जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, और शेयर कीजिए, ठीक है, गुड बाय।